अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। एक बार फिर वेलकम, ऑलवेज भी हैप्पी हैप्पी मूड में। मेरा नाम मुदस्सर, मैं अपने चैनल पर रोज़ बर रोज़ कोई ना कोई वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरी इस वीडियो का टाइटल पढ़कर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में, एंड्रॉयड इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में। तो ये ब्राउज़र आपको बआसानी प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, जहाँ फिर मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ, जिसमें आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिए। तो चलिए आप करते हैं अपने वीडियो शुरू। तो अब मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपको बताता हूँ आपने किस तरह ब्राउज़र इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले आपने करना है प्ले स्टोर ओपन, यहाँ पे लिखना है यनडेक्स ब्राउज़र। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, आप भी इस तरह इंस्टॉल कर लेना ये। फिर उसके बाद आपने करना है पफिन वेब ब्राउज़र, तो ये भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और थर्ड पर है ओपेरा, तो ये भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ओपन कर कर कि इनके क्या फंक्शन है और किस तरह इनको चलाना और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगा इंडेक्स ब्राउज़र। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ओपन होगा, स्टार्ट है फर्स्ट डे, तो थोड़ा देर लगेगी। ये मैंने लॉन्च कर दिया प्रोग्राम। इस ब्राउज़र का एक बेनिफिट है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इसमें कोई भी वेब वगैरह इजीली ओपन हो सकती है एक दो सेकंड के अंदर। तो चलिए अभी इसे टेस्ट करते हैं। जैसे मेरे पास है ये अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन पर क्लिक किया, देखें एक दो सेकंड में इसने वो वेब ओपन कर दी। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास यूट्यूब है, तो इसे ओपन करता हूँ, देखें एक दो सेकंड ही लगते हैं इस ब्राउज़र में ओपन होने के। ओपन किया, तो अब इसके मैं बताता हूँ हिस्ट्री वगैरह कैसे आप लोगों ने देखनी है। हिस्ट्री वगैरह इधर आ जाएगी, ये देखें, जैसे मैंने अमेज़ॉन ओपन की थी और यूट्यूब ओपन की थी, ये आ गई इसमें। अब इसमें डाटा क्लियर किस तरह करते हैं, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद क्लियर डाटा कर दें अब, तो ये सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इस ब्राउज़र का बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये हैवी ब्राउज़र है। अब मैं आपको बताऊंगा उस ब्राउज़र का जो काफ़ी लाइट है, मोबाइल की स्टोरेज कम लेता है यूज़ करने में। जैसे इसे ओपन किया तो इसका ये सामने इंटरफेस आ गया। अब इसमें से हम ओपन करते हैं फर्स्ट गूगल और इसकी स्पीड चेक करते हैं कितनी है। ये देखें इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा निकल रही है। ये लाइट वर्जन और काफ़ी बेनिफिट भी है, इंस्टाग्राम भी फ्रंट पे, ट्विटर भी, सब कुछ। अब इसकी हिस्ट्री किस तरह निकालनी है, हिस्ट्री यहाँ पे, और क्लियर हिस्ट्री किस तरह करती है इसकी, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर आपने सभी पर ऑल क्लिक करना है, देन क्लियर, और इसकी इस तरह हिस्ट्री क्लियर होगी। इस ब्राउज़र का बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ना लाइट है, किसी भी मोबाइल में इजीली जगह ले सकता है, मोबाइल की स्पीड कम नहीं करेगा। अब जो थर्ड पर आता है ओपेरा, ये एक न्यू इन्होंने निकाला हुआ है, न्यू अपडेट आई हुई है, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट क्या हैं। ये देखें, इसमें आप कोई सी भी थीम आप खुद लगा सकते हैं। जैसे ये रेड हो गया, अब मैं ग्रीन पर क्लिक करूँगा, ग्रीन होगी, अब मैं ब्लू पर क्लिक करूँगा तो ब्लू होगी। देखें,
अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह होगी। अब ज़्यादा जो रेड बेटर लग रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इजीली कोई भी चीज़ आप ऐप्स, हेल्थ क्लब टिप्स, किड्स क्लब, टॉप गेम्स वगैरह इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी स्पीड चेक करते हैं कितनी। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हैं। इसमें जितनी मर्ज़ी हम टैब खोल सकते हैं। एक तो इसका ये बेनिफिट है, ये देख, हाँ मैं आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा टैब खोल कर दिखाता हूँ। देखें इसमें 100+ टैब आप इजीली खोल सकते हैं इन सब। एक इसका न्यू जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आप अपने पीसी पर या लैपटॉप पर इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्लिक करना, देन आपने जो जीमेल वगैरह अपने पीसी पर या लैपटॉप पर लगाया उसे इधर लिखेंगे तो ये आपका रिमोट कंट्रोल टाइप हो जाएगा। तो ये आपके पीसी, आप अगर इधर से वर्क करेंगे तो उस ओपेरा में ऑटोमेटिकली वर्क होगा। और साथ में इस इन्होंने और भी अपडेट दी, अभी और भी अपडेट्स आ रही हैं इनकी। ये हेल्थ क्लब टिप्स, ये देखिए। और इसलिए बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्राउज़र है क्योंकि इसमें किड्स क्लब भी है। और इसमें न्यूज़ भी आती है, ये देखें आपके सामने ही सभी कुछ। और इसकी स्पीड कम है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। अब इसकी चेक करते हैं स्पीड टेस्ट एक बार, फिर हम चेक करते हैं। ये देखें इसकी स्पीड थोड़ी सी बाकी दो ब्राउज़र से कम है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अब इन सब की हिस्ट्री किस तरह डिलीट करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमने हिस्ट्री पर क्लिक किया तो सामने जो जो हमने वेब ओपन की थी वो हमारे सामने आ गई। तो यहाँ पर बना हुआ है डिलीट का डस्टबिन डिलीट ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी डिलीट, देन ओके। ये हमारे पास हिस्ट्री के लिए। अब इसमें हम एक और फंक्शन है वो भी आपको बताता हूँ कि जो एड्स ब्लॉकिंग, जौन सी भी एड्स आपने ब्लॉक करनी है वो एड ब्लॉक हो जाएगी। अब मैंने अनब्लॉक की है तो कल जब मैं वेब ओपन करूँगा तो ऐड चलने लग पड़ेगी। मैं इसे ऑफ ही रहने देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। और इसमें एक और फंक्शन नाइट मोड का, ये देखें डिसेबल किया हुआ, मैं इसे इनेबल करता हूँ। देख डिमिंग, कूलर टेम्परेचर, देखें इसके कितने बेनिफिट्स हैं। यूज डिम कीबोर्ड, नेक्स्ट, परमिशन अनडेड, ये परमिशन मांग रहा, मैं सर परमिशन दे रहा हूँ कि ठीक है भाई आप दाखिल हो सकते हैं मोबाइल में। ये देख आप इसका इंटरफेस चेक करें, पहले बेटर था यहाँ। और इसमें ऑफलाइन पेज भी है, जो जो पेज हमने ऑफलाइन देखने हो उसे वहाँ पे सेव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने ये वाकई पेज ऑफ किए हुए हैं। इस तरह एक बात और इस ब्राउज़र की सबसे जो बड़ी खासियत है, तो इसमें ना कई वेब ऐसी हैं जो ओपन नहीं होती कई कंट्री में, तो इस ब्राउज़र में वो सभी वेब ओपन हो सकती हैं। और साथ में यहाँ पे अर्निंग करने का भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस ब्राउज़र को मिला हुआ है, या किसी भी कंट्री की वेब वगैरह इजीली चला सकते हैं इसमें। और एक बात आपको बताना भूल गया, और इस ब्राउज़र में
इस ब्राउज़र में हम ऑनलाइन परचेजिंग मीन के कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। इस ब्राउज़र की ये खासियत है, इन्होंने बहुत ही दी हुई है। और अगर पाकिस्तान से हैं आप तो इसमें उर्दू में न्यूज़ आती हैं डेली की डेली, और साथ में इंग्लिश में भी आप इसे कर सकते हैं कन्वर्ट। ये देखें, ये डेली की डेली न्यू न्यूज़ आती है इस ब्राउज़र में। तो इसमें भी डार्क थीम इनकोडिंग टैब अलाउ है। तो चलिए इसकी भी डार्क थीम हम चेक करते हैं, इसका इंटरफेस कैसा है। ये देख डार्क हो गया। इसका एक बेनिफिट और बताऊं, इसमें पावर सेविंग मोड भी है कि आप अपने मोबाइल की बैटरी भी इसे चलाते हुए बचा सकते हैं। तो वो किस तरह आप अपनी बैटरी बचा सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेरा पावर सेविंग मोड, देन मैं इसे ऑन करता हूँ। मैंने ऑन कर दिया। रीडर मोड, इसे भी ऑन कर दिया। अब चेंज बैकग्राउंड, इसमें आप अपनी पसंद का बैकग्राउंड वगैरह भी लगा सकते हैं। देखें कितने प्यारे प्यारे इंटरफेस हैं इसके बैकग्राउंड के। ये ब्राउज़र सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, मुझे तो यही पसंद है। मैंने ऑलरेडी यही यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल में। ये देख, वो मैंने बैकग्राउंड लगाया तो वो पीछे वही लग गया, आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।